उन्नाव से आज सुबह सुबह बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। बिहार से दिल्ली आ रही बस हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि हादसा कैसे हुआ और जो लोग घायल हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति है। हाईवे पर दौड़ी मौत की बस, ओवरटेक की कोशिश में बहुत बड़ा हादसा। सुबह सुबह जब लोग नींद के आगोश में थे तो उन्नाव के हाईवे पर कुछ लोगों के लिए काल दौड़ रहा था। बिहार के शिवहर से एक डबल डेकर बस दिल्ली की तरफ आ रही थी। सुबह का वक्त था तो बस में यात्री भी गहरी नींद में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को क्या पता था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकले हैं। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। हादसे के पीछे ओवरटेक को वजह माना जा रहा है। डबल डेकर बस तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, उसके आगे एक दूध का टैंकर भी चल रहा था। बस के ड्राइवर ने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ड्राइवर को झपकी भी आ रही थी। कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बस की कंटेनर के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस के तो परखच्चे ही उड़ गए, टैंकर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि टक्कर लगते ही बस पलटी खाई, टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई। सुबह करीब 5:15 बजे यह हादसा हुआ। मौके पर चीख पुकार मच गई, कई लोगों की आवाज तो शोर के साथ ही दब गई। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपाने वाली हैं। इसके बाद तो हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल था। कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे, वहीं कुछ यात्रियों को तुरंत मदद की जरूरत थी। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, सामने जो मंजर देखा उससे सभी लोग सिहर गए। लाशों का अंबार लगा था, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों में ज्यादातर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों में से 5 लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। 18 लोगों की मृत्यु हुई और 19 लोग घायल हुए। घायलों को प्रशासन द्वारा तुरंत जो बागरमऊ सीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भेज दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। पीएम ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीएम का पोस्ट भी सामने आया है, इसमें लिखा है, उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा शोक जताया है, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है, घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि बस के कागजों में मिला पता फर्जी निकला है। बस महोबा के एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि दिल्ली से इस बस का संचालन हो रहा था। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसका नतीजा ये हुआ कि कई घरों ने अपने सदस्यों को खो दिया। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।